हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी वायर। आज की वीडियो में हम शुरुआत करने जा रहे हैं AICTE रेगुलेशंस की, और इन रेगुलेशंस में तीन चार तरह के टॉपिक्स आते हैं, तीन चार तरह के रेगुलेशंस आते हैं, जिनमें से हैंडबुक फॉर अप्रूवल प्रोसेस सबसे इम्पोर्टेंट है। लेकिन वो हैंडबुक अकेली अराउंड 225 पेजेस की है, तो उसको यहाँ पर पढ़ा पाना संभव नहीं था इन दिनों में। कि जब समय मिलेगा तो बाद में उसकी तैयारी के लिए वीडियोस डाली जाएंगी, लेकिन अभी एग्ज़ाम नज़दीक है तो हम जितने रेगुलेशंस कवर हो सकते हैं उनको कर लेते हैं, और केवल जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं पर बात करेंगे। आज जिसकी शुरुआत करने जा रहे हैं वो है AICTE ग्रांट ऑफ अप्रूवल फॉर टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस। ये रेगुलेशन 4 फरवरी 2020 में लागू हुए थे। AICTE एक्ट जो 1987 में आया था, उसके सेक्शन 23 के द्वारा AICTE को पावर मिलती है, जिसके तहत उन्होंने इन रेगुलेशंस को लागू किया है। अगर प्रेम्बल देखना चाहते हो इन रेगुलेशन की, तो यहाँ वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। दरअसल जब भी कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूशन स्थापित होता है इंडिया में, तो उसको AICTE से परमिशन लेनी होती है ताकि वो अपने यहाँ टेक्निकल प्रोग्राम चला सके, और चाहे वो इंस्टीट्यूशन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी हो या किसी अन्य तरह का कॉलेज हो, अफिलिएटेड कॉलेज, सबके यहाँ पर टेक्निकल प्रोग्राम चलाने के लिए इन रेगुलेशंस के तहत उसको ग्रांट ऑफ अप्रूवल लेना होता है। तो आइए देख लेते हैं किन किन मामलों पर AICTE की परमिशन लेनी पड़ती है टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस को। सेटिंग अप ए न्यू टेक्निकल इंस्टीट्यूशन, एक्सटेंशन ऑफ अप्रूवल ऑन सेल्फ डिस्क्लोजर, इंट्रोडक्शन या कंटिन्यूएशन ऑफ सीट्स फॉर नॉन रेजिडेंट इंडियंस। जो कोर्सेज वहाँ पर चल रहे हैं उन कोर्सेज में अगर NRI की सीट्स को कम किया जाना है या इंट्रोड्यूस किया जाना है तो अप्रूवल लेना होगा। चेंज ऑफ साइट या लोकेशन, कन्वर्जन डिप्लोमा लेवल इनटू डिग्री लेवल एंड वाइस वर्सा, स्टार्ट न्यू प्रोग्राम इन एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस, मर्जर ऑफ इंस्टीट्यूशंस इन सेम कैंपस और सेम सिटी, एक्सटेंशन ऑफ अप्रूवल आफ्टर ए ब्रेक इन द प्रिसीडिंग एकेडमिक ईयर, रिस्टोरेशन ऑफ इनटेक। यहाँ पर इसका मतलब है कि जब AICTE किसी पर एक्शन लेते हुए उसके एकेडमिक ईयर में इनटेक पर रोक लगा दे, तो उस पीरियड के पूरा होने के बाद जब रिस्टोरेशन करना चाहे वो इंस्टीट्यूशन, तो वो एक्सटेंशन या रिस्टोरेशन के लिए भी अप्रूवल लेगा। सुपर न्यूमरेरी सीट्स वो होती हैं कि जैसे आपने किसी इंस्टीट्यूशन के प्रोस्पेक्टस में देखा होगा कि उनके वहाँ पर 60 सीट हैं या 30 सीट हैं किसी कोर्स के लिए, लेकिन ये सुपर न्यूमरेरी सीट्स उन दर्शाई गई सीट्स से भी ऊपर की सीट्स होती हैं, जो कि रिजर्व होती हैं कुछ फॉरेन नेशंस के लिए, या फिर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए, या चिल्ड्रन ऑफ इंडियन वर्कर इन गल्फ कंट्रीज़ के लिए। इसके अलावा जो लेटरल एंट्री स्कीम के तहत जो स्टूडेंट्स आते हैं वो भी सुपर न्यूमरी सीट्स में ही आते हैं, तो सुपर न्यूमरी सीट्स के इंट्रोडक्शन या कंटिन्यूएशन का अप्रूवल भी AICTE से लेना होता है। कन्वर्जन ऑफ वुमेन इंस्टीट्यूशन इनटू कोएड इंस्टीट्यूशन, कोएड इंस्टीट्यूशन मीन्स वेयर बोथ मैन एंड वुमेन स्टडी, इंक्रीज इन इनटेक एंड एडिशनल कोर्सेज। अगर एडिशनल कोर्सेज को बढ़ाना है या इनटेक जो स्ट्रेंथ है एडमिशन की उसको इंक्रीज करना है, तब भी अप्रूवल लेना होगा AICTE से। इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड या डूल डिग्री कोर्सेज, क्लोजर ऑफ द इंस्टीट्यूशन, इंट्रोडक्शन ऑफ फेलो प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट यहाँ लिखा है, चेंज इन द नेम ऑफ कोर्स, मर्जर ऑफ द कोर्सेज, रिडक्शन इन इनटेक, क्लोजर ऑफ प्रोग्राम्स, चेंज नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन और अफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी या बोर्ड, चेंज ऑफ टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो इन चेंजेस के लिए भी पहले अप्रूवल या परमिशन लेनी होगी। चेंज इन द माइनॉरिटी स्टेटस ऑफ द इंस्टीट्यूशन, चेंज इन नेम ऑफ द बैंक, चेंज इन द नेम ऑफ द ट्रस्ट, सोसाइटी या कंपनी जो उस इंस्टीट्यूशन को चला रहे हैं, उस ट्रस्ट सोसाइटी या कंपनी का नाम चेंज करना है, तब भी अप्रूवल लेना होगा। एक्सटेंडेड EOA
ईओए की फुल फॉर्म होती है एक्सटेंशन ऑफ अप्रूवल कोलैबोरेशन एंड ट्विनिंग प्रोग्राम बिटवीन इंडियन एंड फॉरेन यूनिवर्सिटी इन द फील्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब AICTE की बात हो रही है तो सारे काम टेक्निकल एजुकेशन के ही होंगे, तो ट्विनिंग प्रोग्राम या फिर डूल डिग्री कोर्सेज चलाने हो तब भी लेना है परमिशन। ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के कोर्सेज शुरू करने हो या उनका अप्रूवल का एक्सटेंशन कराना हो या इनटेक में इंक्रीज करना हो या ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज को क्लोज़र करवाना हो। एक अमेंडमेंट आई थी जिसमें कहा गया कि ऑनलाइन लर्निंग कोर्सेज भी यहाँ पर शामिल होंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ वोकेशनल एजुकेशनल कोर्सेज, और इन वोकेशनल कोर्सेज का चाहे एक्सटेंशन हो या फिर इंक्रीज इन इनटेक हो या क्लोजर हो। ये रेगुलेशन केम इन टू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ देयर पब्लिकेशन। क्या थी वो डेट? 4 फरवरी 2020। अब जो आर्किटेक्चर के प्रोग्राम हैं, ये जो ब्लू कलर में लिखे आ रहे हैं, ये अमेंडमेंट्स हैं। अगर आप जाके डायरेक्टली खुद से पढ़ाई करोगे तो अमेंडमेंट्स भूल जाओगे कि अमेंडमेंट भी हुए थे, पता ही नहीं चलेगा और गलतियां कर दोगे क्वेश्चंस में। बट जो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर अमेंडमेंट्स को भी इम्प्लीमेंट करके पढ़ा रहा हूँ, सो दैट यू कैन नॉट मेक मिस्टेक इन योर एग्ज़ाम। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, इफ़ इट इज़ हेल्पफुल, यू शुड सब्सक्राइब दिस चैनल। आर्किटेक्चर प्रोग्राम है तो उसके लिए AICTE का अप्रूवल अब नहीं लेना होता। फार्मेसी का प्रोग्राम है तो उसके लिए भी AICTE का अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि अब इन दोनों प्रोग्राम के लिए इनकी अलग अलग काउंसिल आ गई हैं। जैसा कि आर्किटेक्चरल प्रोग्राम के लिए काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर है और फार्मेसी प्रोग्राम के लिए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, तो उन दोनों का अप्रूवल ये लेते हैं। लेकिन उनका अप्रूवल के बावजूद भी कोई इंस्टीट्यूशन चाहे तो AICTE का अप्रूवल फॉर अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ AICTE स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स इंटरेस्टेड जो भी है ले सकता है, प्रोवाइडेड दे आर ऑलरेडी हैविंग वैलिड अप्रूवल ऑफ काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर या फिर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ऑन द डे ऑफ एप्लीकेशन। रेगुलेशन 2 में डेफिनेशंस लिखी हैं हमेशा की तरह। अकेडमिक ईयर का मतलब है, आप अच्छी तरह से जानते हैं, कि ओड सेमेस्टर फॉलोड बाय इवन सेमेस्टर, जहाँ पर ख़त्म हो जाए वही अकेडमिक ईयर रहेगी। एक्ट का मतलब रहेगा AICTE एक्ट 1987। एडजंक्ट फैकल्टी मीन रिसोर्स पर्सन, एडजंक्ट फैकल्टी मीन्स रिसोर्स पर्सन स्पेसिफाइड इन द अप्रूवल प्रोसेस हैंडबुक। ये वही हैंडबुक है जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन और पूरी जानकारी मिल जाती है AICTE की। कोई इंस्टीट्यूशन अपना सारे जो हैं अप्रूवल्स ले सकता है, इस हैंडबुक में सब कुछ लिखा हुआ है। मैं AICTE वेब पोर्टल की वेबसाइट कौन सी है ये जो यहाँ पर लिखी है। एप्लीकेंट क्या है? एप्लीकेंट इज वन हु मेक्स एन एप्लीकेशन इन द काउंसिल फॉर सीकिंग एनी काइंड ऑफ अप्रूवल अंडर दिज रेगुलेशन। APH की फुल फॉर्म आ जाए तो अप्रूवल प्रोसेस हैंडबुक। पब्लिश कौन करता है? AICTE। अप्रूव्ड इनटेक जो कि बताया था मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट कैन बी एडमिटेड इन ए कोर्स, लेकिन सुपर न्यूमेररी सीट्स अप्रूव्ड इनटेक से अलग होती हैं। ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन मींस वो इंस्टीट्यूशन जिसकी ऑटोनोमी ग्रांट करी है UGC ने। BOT की फुल फॉर्म रहेगी बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र। यह एक प्रोजेक्ट है फाइनेंसिंग वेर इन ए प्राइवेट इंटिटी रिसीविंग ए कंसेशन फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर टू फाइनेंस डिज़ाइन कंस्ट्रक्ट। वर्तमान में AICTE के चेयरमैन कौन है? TG सीताराम, सीताराम आपको याद रखना है। और अगर UGC के चेयरमैन की बात की जाए तो वो हैं M जगदेश कुमार। कोएड इंस्टीट्यूशन जहां सभी तरह के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कैसे बना था? UGC एक्ट 1956 के सेक्शन 4 से पावर मिलती है UGC के निर्माण के संबंधित। कंपनी का मतलब रहेगा कंपनी एक्ट 2013 का सेक्शन 8 से आने वाली पावर। कंपिटेंट अथॉरिटी फॉर एडमिशन मीन्स एन ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज़ पावर टू डू एडमिशन टू टेक्निकल इंस्टीट्यूशन
अप्रूवल प्रोसेस की वेरिफिकेशन से पहले AICTE एक एक्सपर्ट विजिट कमेटी बनाती है। अगर एक्सपर्ट विजिट कमेटी को कुछ डेफिशिएंसी नज़र आती हैं तो वो शो कॉज नोटिस देती है इंस्टीट्यूशन को, और इंस्टीट्यूशन अपनी कॉम्प्लायंस रिपोर्ट तैयार करके काउंसिल को भेज देता है। काउंसिल जब भी कहा जाए तो समझ लेना कि AICTE की बात हो रही है, जिसको इस्टेब्लिश करने की पावर AICTE के एक्ट में सेक्शन 3 के तहत प्राप्त हुई है। और अभी हमने पढ़ा था कि UGC को इस्टेब्लिश करने की पावर UGC एक्ट के सेक्शन 4 में थी। डिवीजन मींस ए बैच ऑफ मैक्सिमम ऑफ 60 सीट्स इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी या होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी एक्सक्लूडिंग न्यूमरेटरी सीट्स। ए बैच ऑफ मैक्सिमम 40 सीट्स प्लानिंग प्रोग्राम एक्सक्लूडिंग न्यूमरेटरी सीट्स। तो हम पढ़ रहे हैं कि डिवीजन क्या रहेगा, और यहाँ बताया गया है कि अगर इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी होटल मैनेजमेंट का अगर कोर्स है तो बैच रहेगा वो 60 सीट्स का, अगर प्लानिंग प्रोग्राम का है तो बैच रहेगा 40 सीट्स का, अगर अप्लाइड आर्ट एंड क्राफ्ट का है तो बैच रहेगा 30 सीट्स का, अगर डिजाइन का है तब भी 30 सीट्स का, लेकिन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी प्लानिंग अप्लाइड आर्ट क्राफ्ट होटल मैनेजमेंट इन सब का अगर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज का बैच है पोस्ट ग्रेजुएट का तो मैक्सिमम सीट 30 रहेंगी, और डिजाइन में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है तो मैक्सिमम सीट 15 रहेंगी। अगर डूल डिग्री कोर्सेज है MBA का इंटीग्रेटेड कोर्स है इसका मतलब जैसे कि, तो मैक्सिमम सीट 60 रहेंगी, और 40 सीट किसके लिए रहेंगी इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स इन प्लानिंग, और 20 रहेगी फेलो इन मैनेजमेंट। सारी सीट्स याद करनी जरूरी नहीं है, केवल ऊपर की एक दो याद रख लेना काफ़ी हैं। एक्सटेंशन ऑफ अप्रूवल का मतलब रहेगा जो एक एकेडमिक ईयर के लिए प्राप्त किया जाए, और एक्सटेंडेड EOA रहेगा यदि वो एक से ज़्यादा एकेडमिक ईयर के लिए प्राप्त किया जा रहा है। एग्जीक्यूटिव कमेटी को कंस्टिट्यूट करने की पावर कहाँ है, सेक्शन 12 में AICTE के सेक्शन 12 एक्सपर्ट विजिट कमेटी EVC कंस्टिट्यूट करता है रीजनल ऑफिसर। स्पेसिफाइड किया गया है यह अप्रूवल प्रोसेस हैंडबुक में टू वेरीफाई फिजिकली, इसका काम क्या है EVC का काम है टू वेरीफाई फिजिकली इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, तो EVC का काम इंफ्रास्ट्रक्चर से रहेगा ये याद रखना है। फैकल्टी मेंबर मीन्स एन इंडिविजुअल क्वालिफाइड एज पर AICTE रेगुलेशंस वर्किंग ऑन फुल टाइम बेसिस इन एन इंस्टीट्यूशन। फर्स्ट शिफ्ट टाइमिंग क्या रहेगी, फ्रॉम 8 AM टू 3 PM। गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशन, केवल इस रेगुलेशन की बात हो रही है, यहाँ पर टेक्निकल इंस्टीट्यूशन रहेंगे जिनका 50% से ज़्यादा ग्रांट जो है गवर्नमेंट दे रही है। हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन का मतलब रहेगा अगर यूनिवर्सिटी है तो वाइस चांसलर, और डीम्ड यूनिवर्सिटी है तब भी वाइस चांसलर, लेकिन वो यूनिवर्सिटी नहीं है टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है जैसे कि NITTTR, तब हेड रहेगा उसका कौन, प्रिंसिपल या डायरेक्टर। अभी जैसे NITTTR की वेबसाइट पर आप डायरेक्टर और प्रिंसिपल देख पाते होंगे, क्या वहाँ पर कोई वाइस चांसलर है कमेंट में बताना। लेवल मतलब ये जो कोर्सेज के लेवल होते हैं ना कि डिप्लोमा का है लेवल या सर्टिफिकेट लेवल है या डिग्री या PG डिग्री का है। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन मींस इस्टेब्लिश्ड एंड एडमिनिस्टर्ड बाय ए माइनॉरिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एज माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। पार्ट टाइम टाइमिंग क्या रहेगी, फ्रॉम शाम के 5:30 से 9:30, ये था पार्ट टाइम टाइमिंग। ओनली फॉर वर्किंग प्रोफेशनल और प्रोफेशनल विद एटलीस्ट 2 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। ड्यूरेशन शैल बी 1 semester or 2 semesters इन एक्सेस देन द कोर्स कंडक्टेड इन रेगुलर शिफ्ट टाइमिंग। प्राइवेट यूनिवर्सिटी मीन्स ए यूनिवर्सिटी ड्यूली इस्टेब्लिश्ड थ्रू ए स्टेट सेंट्रल एक्ट बाय स्पॉन्सरिंग बॉडी। अब प्राइवेट यूनिवर्सिटी में तो स्पॉन्सरिंग बॉडी ही रहती हैं, लेकिन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हैं तो खुद गवर्नमेंट उनकी संचालक होती है। And we have already discussed that in previous videos where we were studying about deemed universities. और ये sponsoring body कौन सी है जो कि registered हो, Society Registration Act 1860 के तहत, public trust और a company registered under section 8 of the company act 2013, अभी बात करी थी। PPP की full form रहेगी public private partnership।
जो कि गवर्नमेंट या स्टैट्यूटरी एंटिटी एक तरफ हो और दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर का कोई इंटरप्राइज हो, इनके बीच में जो पार्टनरशिप हुई है वो है ट्रिपल पी। AICTE एक्ट के सेक्शन 14 में रीजनल कमेटी बनाने की बात कही गई है, और थोड़ी देर पहले जो EVC हम पढ़ रहे थे वो सेक्शन 12 में था। EVC पूछे तो सेक्शन 12 और रीजनल कमेटी पूछे तो सेक्शन 14। रेगुलर शिफ्ट टाइमिंग क्या रहेंगी? 9 बजे से 5 बजे तक। रिस्टोरेशन ऑफ इनटेक मींस रिस्टोरिंग बैक द अप्रूव्ड इनटेक दैट वाज एग्जिस्टिंग प्रायर टू एनी पेनल एक्शन। सेकंड शिफ्ट टाइमिंग रहेंगी 12 से 7 वाली। स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन मतलब नॉट अफिलिएटिंग टू एनी ऑफ द यूनिवर्सिटी बोर्ड, जिनको किसी से अफिलिएशन प्राप्ति नहीं हुआ है, बस स्टैंड अलोन है वो। स्टैंडिंग अपेलेट कमेटी, ए कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द चेयरमैन ऑफ AICTE, जिसे स्पेसिफाई भी किया गया है APH में, और इसका काम है फॉर कंसिडरिंग द अपील्स ऑफ द टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस। तो अपील कहाँ जाती है? स्टैंडिंग अपेलेट कमेटी के पास। स्टैंडिंग कंप्लेंट स्क्रूटनी कमेटी SCSC, यह कंस्टिट्यूट की जाती है चेयरमैन द्वारा, जो कि APH में बताया भी गया है, फॉर द स्क्रूटनी ऑफ कंप्लेंट रिसीव्ड अगेंस्ट द टेक्निकल इंस्टीट्यूशन। फिर है स्टैंडिंग हियरिंग कमेटी, ये भी चेयरमैन बनाता है जैसा कि APH में है। अब स्टैंडिंग हियरिंग कमेटी क्या काम करती है? टू रिव्यू द रिपोर्ट ऑफ द EVC, रिप्लाई रिसीव्ड फॉर सोकोज नोटिसेस। एक्सपर्ट विजिट कमेटी तो डेफिशिएंसी बता देगी और सोकोज नोटिस दे देगी। उसके बाद इंस्टीट्यूशन अपनी कंप्लायंस रिपोर्ट भेजेगा, और उन रिपोर्ट की जांच के लिए चेयरमैन जो है AICTE का, वो स्टैंडिंग हियरिंग कमेटी बनाएगा। उसी तरह याद रखना है कि कंप्लेंट आई हो तो कंप्लेंट के लिए स्टैंडिंग कंप्लेंट स्क्रूटनी कमेटी बनाई जाती है। सुपर न्यूमरेरी सीट्स पहले ही बता दी थी क्या होती हैं। इसमें ये भी याद रखना है कि जो लेटरल एंट्री या फिर PWD की सीट्स हैं या J&K की सीट्स हैं, जो जम्मू कश्मीर के स्पेशल सिटीजन्स के लिए, वो सुपर न्यूमरेरी सीट्स में ही हैं। टेक्निकल इंस्टीट्यूशन मींस कौन कौन से आते हैं इसके अंदर? अप्लाइड आर्ट, क्राफ्ट एंड डिज़ाइन, होटल मैनेजमेंट, या ये मैनेजमेंट जो MBA वगैरह के इंस्टीट्यूशन हैं, जिनको नोटिफाई किया है AICTE एक्ट 1987 के तहत, वही टेक्निकल इंस्टीट्यूशन यहाँ पर है। इंडियन ट्रस्ट एक्ट कब आया था? 1882 में। यूनिवर्सिटी का मतलब रहेगा UGC 1956 एक्ट के सेक्शन 2 के F में। ये बात तो मैं पिछली वीडियोस में अनेक बार बता चुका हूँ। तो ये वीडियो काफ़ी बोरिंग लगी होगी, क्योंकि AICTE को पढ़ना भी बोरिंग ही है सही बताऊँ तो। लेकिन जो बोरियत के दो रेगुलेशंस थे वो हमने यहाँ कवर कर लिए हैं। अगली वीडियो में पूरी फ्रेशनेस के साथ और मज़ेदार टॉपिक्स करेंगे, क्योंकि आगे के रेगुलेशन में इंटरेस्ट आएगा। अब आप खुद सोचो, जहाँ पर 60 तरह की डेफिनेशन हो जिस रेगुलेशन में, तो मज़ा तो आएगा ही नहीं। लेकिन अब आगे मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपने पूरी सिंसियोरिटी के साथ में इस वीडियो को अंत तक देखा है तो एक कमेंट नीचे कर देना, सो दैट आई कैन नो कि कोई वीडियो देख भी रहा है।